चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये 2-3 साल का पेमेंट लेकर भागने की नियत है, तो ये सब किसानों की समझ में आ गई बात। जब इन्हीं सरकारों ने चीनी पे MSP बना दी तो किसान की फसल पे MSP बनाते में क्या परेशानी है? हमें तो लग रहा भगत सिंह के असूलों पर चलना पड़ेगा, पढ़ो और टाइम आने पर लड़ो। अब लड़ने का टाइम आ गया, लड़ना पड़ेगा। अब इनके बाबा के नौकर है किसान है, जो इन्हें आप पुकारे संभाले ले रहे, हमारा 60 साल के बूढ़े के 1000 पिल फंडी। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के गन्ना समिति में है और यहाँ पर लगातार किसान दिन रात लगातार 32 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो हम अभी किसानों से बात करेंगे कि 32 दिन से लगातार दिन रात किसान यहाँ पे बैठे हैं और उनकी समस्या का कितना समाधान हुआ है। लगातार CCS पर वीडियो कर चुका है और आज हम किसानों से रात में बात करने आए हैं। बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें हो रही है और क्या क्या उनकी मांग पे अभी काम हुआ है। जी आपका नाम? मेरा नाम मास्टर संजीव जी, सिलावर गाँव है जी। हम पिछले 21 अगस्त से गन्ने भुगतान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी दो ही मांगे हैं कि हमारे पिछले सत्र का पूर्ण गन्ना भुगतान और अगले सत्र में 14 दिन के हिसाब से हमें पेमेंट हो। दूसरी मांग है कि अगर मिल सक्षम ना हो हमें गन्ना भुगतान करने को, तो हमारे इस बिल का टोटल गन्ना दूसरे मिलों को डाइवर्जन कर दिया जाए। सभी किसानों का पूर्ण समर्थन इस धरने को है, लेकिन सरकार कि अभी कोई सरकार की तरफ से हमें कोई भी इस तरह की बात नहीं कि भाई वे इस बात को मानते हैं। मिल वालों के फेवर में सब बोल रहे हैं। हमारा जो धरने का सिस्टम है वो ये है कि हम अपना खेत का भी काम करते रहें और हम धरने को भी चलाते रहें। अब ये जो सरकार आई ये किसान विरोधी है, सच्चाई में ये है व्यापारी वर्ग। हमारा मिल अब से 9 साल पहले हर 14 दिन दिया करता, लेकिन इसने सरदार भगत सिंह को फांसी दे रखी। कर्तव्य सो भुगतम, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, जिसकी करनी उसकी भरनी, तू क्यों यहाँ उदास। वो पाप इनके आगे आ गया और वो इनके तो आगे आ गया, झेलना हमें पड़ गया। 32वां दिन है, रात दिन यही रहता हूँ। बड़ा मजा आवे अपने बुजुर्गों के पैर पकड़ने में, इनकी सेवा करने में। और यहाँ शास्त्री जी की सानिध्य में चल रहा है। एक तो हमें ये अब तक जो जितने धरने रहे सब टांग तले को बांध तले को चूर्ण मिला। ये हमारा शेर एक ऐसा है, चूर्ण निलेगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यहाँ जितने भी किसान आए छट छट के, न किसी संगठन से है, न किसी पार्टी से है, न किसी भी उस तरह है, अपनी इच्छा से काम करने वाले काम करते हैं, धरने पर धरने वाले आते हैं, पूरा टाइम देते हैं, आए गए का सम्मान करते हैं, अपना हक लेकर आएंगे। एक कहावत थी, मुँह ज़्यादा है या गुदा ज़्यादा है। मैं भी अकेला आदमी हूँ, मैं भी एक वादा किया है, इतने धरना रहेगा मैं यहाँ रहूँगा। घोड़ी तो कोई बांध ले, लपोड़ी कौन करेगा। मेरे इन बुजुर्गों के आशीर्वाद कर, मेरे नौजवान साथियों के प्यार से इतने धरना रहेगा मैं यही रहूँगा 24 घंटे। आप दिन रात यही रहते हो? 32 दिन से करने गए आप? नहीं, ये सारे चले गए। तो घर की याद आती है और खेती नहीं भी है? बिल्कुल नहीं आती। खेती जो है, खेती में ऐसा घर वाले को फोन कर देता हूँ, मजदूर मजदूर है या मेरे परिवार वाले, उन्हें कर ले, पर जाने को जी नहीं करता। अलग अलग जगह धरने चल रहे हैं, हम उनकी बात करें वहाँ भी धरना चल रहा है, बुढ़ाना के बहसाने पर भी चल रहा है। तो किसान की ये क्या स्थिति होगी कि उसे इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं और फिर भी उसको मांगे नहीं मानी जा रही है? देखो जी, किसान इतना परेशान है, कम से कम ये जो 7-8 साल से यह हालत चल रही और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। पहले जो है कम था पेमेंट, ये हर साल बढ़ रहा। इसका पैसा जो है कहीं मालिक दूसरी जगह डाइवर्जन कर रहे, तो है तो यही बात, इसको पैसे को चिन्नी बेच कर अपना किसी उसमें लगा रहे अपना काम में। अब दबाव बन नहीं रहा किसी भी का भी, ना तो किसी यूनियन का बन रहा, ना किसी नेता का बन रहा, कोई भी सक्षम नहीं हो रहा। मतलब धरने तो टक्का है लेकिन वे पूरा नहीं कर पा रहे कोई भी। ये 2-3 साल का पेमेंट लेकर भागने की नियत है, तो ये सब किसानों की समझ में आ गई बात। अगले लेकर भाग जाएगा, मिल है 250-300 करोड़ का और ये 500-700 करोड़ करके सफा जाएगा, फिर यूँ कहकर मिल को पालो ले लो। तो ये सबकी समझ में आता है कि भाई नियत ख़राब हो रही मिल मालिक की और इसको धरना दे लो। कोई नेता नहीं सुन रहा हमारी, हमारे कोई आम यूनियन नहीं कोई सुन रही, तो हमें खुद ही निर्णय लेना पड़ा। एक तरफ तो पशु आवारा पशु जो है खेत को तबाह कर रहे हैं, दूसरा अभी भारी बारिश के कारण बहुत सारे खेत बर्बाद हुए हैं जी और लगातार
खेत लगातार किसानों के खेतों में मीटर लगाए जा रहे हैं, तो ये किसानों के साथ ये चीज़ें क्यों कर रही है सरकार? हमें तो महसूस दे रहा जी, जब जब भी देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई तभी तभी देश की अर्थव्यवस्था को कृषि ने थमया, कृषि ने उभरा, तो विदेश तो इस नीति को समझ गए, जितने भी विदेश हैं उन्होंने तो अपनी कृषि पर ध्यान दे दिया, कहने लगा भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बची ऐसे संकट के समय में, उन्होंने कृषि को समझा, तो विदेश तो कृषि को प्राथमिकता देकर, किसान अगर अपने खेत से फोन कर दे मुझे खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवा चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, तो विदेश में वही उपलब्ध होती है किसान के फार्म पर। और यहाँ तो जो भी सरकार आवेगी इलेक्शन के टाइम पर बहुत वादे करेगी, किसान को प्राथमिकता देकर वोट मांगेगी, और गद्दी पर बैठने के बाद न वे वादे रहते न उनकी पॉलिसी रहती, झूठ बोल के छड़ बोल के इस देश में किसानों को ठगा जा रहा। जो सरकारी रिसर्च सेंटर है और हर फसल का जो वहाँ लागत है उस लागत का डेढ़ गुना दाम किसान को दे दो, किसान को 2000 की जरूरत नहीं, मोदी जी यू किसान तो आपके साथ कदम मिलाकर खड़ा हो जाएगा, आपको रेट तो दवा दो, MSP पे गारंटी का कानून बना दो, हम तो यहाँ गन्ने पेमेंट को लेकर बैठे, जितनी भी शुगर फैक्ट्री हैं जिनके पेमेंट रुके हुए हैं, जितने भी गन्ने से प्रोडक्ट बनाते हैं चाहे वे चीनी बना रही चाहे मल्ली है चाहे खोई है चाहे शीरा है चाहे अल्कोहल है चाहे एथेनॉल है, सब नकद में बेचते हैं, किसान का गन्ना उधार ले, इसका पेमेंट नहीं करते, अपना प्रोडक्ट नकद में बेचते हैं, ऐसा क्यों है? जब इन्हीं सरकारों ने चीनी पर MSP बना दी तो किसान की फसल पर MSP बनाते में क्या परेशानी है? क्यों नहीं बनाती सरकारें, क्यों वादे करती हैं? MSP गारंटी का कानून बना दो, किसान को कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अगर भाई सरकार का पिंड छूट जाएगा जो ये बतावे भाई इतना मोटा पैसा खर्च मारा किसान निधि में होगा, किसान को किसान निधि नहीं चाहिए, उसकी फसल का वाजिब दाम चाहिए, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून चाहिए। आज आप यहाँ क्यों बैठे हो धरने पर? आप नौजवान हो, आपको तो अपना भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, आप क्यों धरने में अपना? हमें तो जी इतना पता 6 साल हो लिए भुगत, तो स्कूल में जाए स्कूल वाले नु कह दे बैर लिखट जो पेपर बाद में हो गए पहले फीस पकड़ा दो, घर आवे घर वालों को बतावा घर वाले नु कह कहाँ तक देवे, दुनिया पड़ोस वालों पता ले ले एक एक महीने में एक पर्ची देवे, एक वो आवे नहीं आते घर वाले भी गाली दे लुंडी भी गाली दे के कर ले इसका पापा मेरी फीस कुकर कर ले जी हम अपना काम, इतना दुकानदार पता ले अपना काम मत एक दूसरे पता ले दे का काम चले जी कहाँ किस किस का दे 6-7 हज़ार रुपए की पर्ची आ गए एक महीने में 5 दिन का पेमेंट दे कहाँ तो चलेगा जी काम। लेकिन युवाओं के लिए तो युवाओं के लिए अग्निपथ योजना निकाली है तो युवा तो उसमें भर भर के जा रहा है, आपको नहीं फायदा मिल रहा है उसका? कहाँ मिल रहा है फायदा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा अग्निपथ योजना क्या है, आपको कुछ लग रहा है उससे फायदा? मैं तड़ी को चलो मरी गया एक बार खेत में पता चल जाएगा इसके चक्कर, तो यहाँ से का बड़े स्कूल में पढ़ा है इसकी फीस जमा हो रही इसका क्या जा रहा हमारा जा रहा जो जा रहा हमें तो बाहर काट दे स्कूल में। युवक कैसे देख रहा है जैसे अभी इलेक्शन भी है तो युवक किस तरीके से देख रहा है इस बार इलेक्शन को? भाई युवाओं किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? युवाओं को कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, ना तो कहीं रोजगार है और जो अपनी खेती में भी जा उसमें पैसा नहीं है, तो आप ही बताओ क्या कर रहे हैं युवक? तो लग रहा है आपको कि आपकी बात आप यहाँ बैठे हो 32 दिन से आपकी मांगे मान ली जाएगी? हाँ जी मान ली जाएगी, मंगवा 10 दिन बाद तिरंगा जेब में लेके नहीं होली जावदा मान ली जाएगी। हमें तो लग रहा है भगत सिंह के असूलों पर चलना पड़ेगा, पढ़ो और टाइम आउट पर लड़ो, अब लड़ने का टाइम आ गया, लड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं डराया जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी अगर आप सरकारी संस्था के खिलाफ लड़ोगे, तो ऐसा डर युवाओं में क्यों बिठाया जाता है? आतंकवाद इतनी है भाई, अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, कुछ चोरी कुछ नहीं मांग रहे भाई, भीख नहीं मांग रहे किसी, अपना हक मांग रहे, हक भी नहीं मांग सकते देश में अपना, लगातार आजाद है ना देश? हाँ भाई हक नहीं मांग सकते हम इस चीज़ से, मैं डरते भाई केस से, यहाँ तो टाइम पर मिलती नहीं वहाँ कम से कम टाइम पर तो मिलेगी। देखा जाए अभी लगातार इंडिया नाम से गठबंधन बना है तो उसके बाद एक चर्चा तेज हो गई है कि
कि भाई हम इंडिया का नाम बदलेंगे, उसको भारत रखा जाएंगे, तो आपको लगता है इन चीजों पे बहस होनी चाहिए या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार? पहले ही बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद भारत के मुद्दे पे विवाद उठाया था कि भारत का विरोध करा था इन्होंने, ठीक है। आज ये फिर भारत को ये हर चीज पूरा इंठावे पकड़ लिया, उसे सारे तो झूठे, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े झूठे। चांद पर तो देश को पहुंचा दिया है ना, क्यों पहले नहीं गया देश चांद पर? लेकिन स्थापना किसने करी थी इसरो की, किसने करी थी? इन्हें संस्थापना पे ज्यादा फिर है नेहरू जी ने, ये कह दिया नेहरू जी ने करा क्या, नेहरू जी ने करा क्या जब देश आजाद हुआ, क्या था देश पर? इन्होंने क्या करा? ये तो जो बना के गए थे वही बेच रहे, लो भाई ये लो सब ना सब बेच दो। देखा एक चीज अभी हाल में हो रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, युवाओं को जो है दंगे की तरफ धकेला जा रहा है। मणिपुर में चाहे इंसार हो, नू में हुई है, वहाँ पे कहा गया है कि भाई जाट साथ आओ, गुज्जर साथ आओ, आके अपने हिंदुत्व को बचाओ। तो युवाओं को इस तरफ क्यों धकेला जाता है दंगे पे, क्यों ये चीजें हो रही है? बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। पहले राम मंदिर था वो खत्म हो गया, अब क्या है? कहीं पर वोट लेंगे, काम जब करा नहीं, रोजगार जब दिए नहीं, कहीं पर वोट लेंगे? भिड़वाओगे यहाँ लोगों को? भिड़ेंगे, पागल है तो भिड़ेंगे। आपको लगता है जो चीज पहले हुई थी अब नहीं होगी? 13 में जो हुआ था बिल्कुल नहीं होगी। समयकरण आज आएगा देश को जगाने का, अपना हक मांगने का। ये नौजवान है, मैं मोदी जी को कहता हूँ, योगी जी को कहता हूँ, डैड कहता हूँ, जोन सी तोप छोड़ दो, जहाँ बंद कर दो बंद कर दो, टुकड़े कर दो, भगत सिंह जड़ो टुकड़े कर दो, चंद्रशेखर की जड़ो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जड़ो। मैंने कहा है 2 करोड़ रोजगार, मोदी जी ने अपने मुँह से कहता, किसान की दुगनी आई कहता, काला धन कहता 15-15 लाख रुपये खाते में, ये 3 वादे कर रखी। ये नौजवान है ना 2 करोड़ रोजगार, दुआ कर अम्मा। ये यहाँ 32 दिन तक किसान बैठे, किसानों में 75 साल तक रसमलाई खा रहे, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, अब इनके बाबा के नौकर है किसान है, जो इन्हें आप पुकारे रसमलाई ले रहे। मारा 60 साल के बूढ़े के 1000 पिल फंडी, उनके आजीवन पिल फंड, अच्छा चार 5-5 पिल फंड। परेशानी है किसानों को पैसे की, और वो भी अपने गन्ने के पैसे की, और जो किसान को गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिल जाए, कर्जा लेने की जरूरत नहीं किसान को, ना किसानों के इतने खर्चे कि भाई किसान मतलब कुछ कुछ खा रहा या शराब पी रहा, कुछ नहीं, दाल रोटी वाले ये। वो तो कहे भाई किसान, पर ये नु कह दे 2000 रुपये मिले, 2000 भी नहीं चाहते, हमारे पे तो उल्टे 6 ले लो, पर हमारा गन्ने का पेमेंट टाइम पर दे दो। अभी आप जुमलों की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 सभाओं में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम 14 दिन में गन्ना पेमेंट कराएंगे, हुआ किसी का? माननीय मुख्यमंत्री ने 13 सभाओं में कहा था कि गन्ना पेमेंट हम 14 दिन में कराएंगे, कुछ नहीं हुआ। बिजली का जुमला छोड़ दिया, जिसकी ट्यूबवेल में मीटर लगे है ना, 4-5 हज़ार का मंथली बिल आ रहा है। सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो, सरकार चाह रही है किसानी से दुखी होकर, उनके बच्चे किसानी से दुखी होकर हम इस ज़मीन पर कब्जा कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो उसके जो मलकपुर मिल है सबसे स्थिति खराब उसकी थी, लेकिन ये सामने शुगर मिल उससे भी नीचे पहुंच गया, फर्स्ट पे यही आ गया स्थिति खराब में। तो दिसंबर कभी पेमेंट एक दिन का उसका भी रह गया, 31 का भी रह, उसका भी रह गया, अभी दिसंबर भी पूरा नहीं करा, तो ये हालत चल रही। हम अभी जिला शामली के यहाँ जहाँ किसान धरने पर बैठे हैं, यहाँ हमने किसानों से बात की, 32 दिन से लगातार किसान यहाँ धरना दे रहे हैं दिन रात, और अभी लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा इस मिल पर किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है। जुड़े रहे शीशे से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद। पिछला भुगतान रह रहा हमारा मतलब दिसंबर का 31 का भी नहीं दिया, दिसंबर का 30 लो ही दिया, वो भी एक दिन भी खा के।